फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी ट्विस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं पम्पकिन राइस। इसे आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने लिया है 2 कटोरी उबले हुए चावल, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 कटोरी कटे हुए पम्पकिन और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तड़का लगाने के लिए हम थोड़ी सी राई लेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक तलेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें कद्दू कटे हुए डालेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, जितना आप डालना चाहें। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। दो मिनट इसको चलाने के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम ऊपर से। अब हम इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं। चावल हमारे बनके तैयार है। ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ा धनिया डाल रहे हैं। अगर आप ज्यादा चटपटा खाने के शौकीन है तो आप साथ में चटनी भी यूज कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।